हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट, जलोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक अनुकूलन के बारे में। हाइड्रोफाइट्स के अंदर तीन तरीके से एडेप्टेशन पाए जाते हैं, थ्री टाइप के। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, सेकंड है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल, आज के इस लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन को कवर करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का मतलब है कि उनकी प्लांट की रूट, स्टेम व लीफ, जड़, तना व पत्तियों में उनके आकार में क्या परिवर्तन हो, किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाएं जिससे कि वो जल में अपने आप को सस्टेनेबल कर सकें, अपने आप को उस पर्यावरण के अनुकूल अडेप्ट कर पाए। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम पढ़ेंगे, पहला जड़ों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। आने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, जड़ के अंदर किस प्रकार के आकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जड़ होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनका प्राथमिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पानी व मिनरल का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। मगर क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स पौधे जो हैं वो एबंडेंस ऑफ वाटर, पानी में ही उगते हैं, तो वहां पे ये जो फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन का, जो कि रूट का वैसे प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। इसीलिए जो रूट्स होती हैं जलोद्भिद पौधे की, हाइड्रोफाइट्स की, वो शॉर्ट होती हैं साइज में, मतलब कि वो क्या होंगी, छोटी होंगी, क्योंकि उनको पानी के लिए, जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो स्थलीय पौधे होते हैं, उनमें अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए लॉन्ग लेंथी रूट्स पाई जाती हैं, जिससे कि वो आराम से कैपिलरी वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। मगर जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जलोद्भिद पौधे हैं, वो तो पानी में ही उग रहे हैं, तो उनके जो रूट की साइज जो होती है वो जनरली छोटी होती है, तो रूट्स आर शॉर्ट इन साइज। तो पहला जो आकार के अनुकूलन है वो ये हो गया कि उनकी जो जड़ें होती हैं उनका आकार छोटा होता है। दूसरा है, इनके अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं वो फाइब्रस या एडवेंटेशियस रूट्स पाई जाती हैं। इनके अंदर टेप रूट सिस्टम एक्सेंट होता है। फाइब्रस रूट क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, और स्टेम से कोई मेन रूट ना होके एक साथ में बंच निकले रूट्स का, इस तरीके की जो रूट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर फाइब्रस रूट रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तीसरी चीज है कि इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, क्योंकि ब्रांच किस लिए होती है, जो ब्रांचिंग का मेन फंक्शन ही होता है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी रूट के अंदर, मान लो ये रूट है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उससे क्या होगा, वो ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पाएंगी जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी। मगर जलोद्भिद पौधों की जड़ें तो पानी में उग रही हैं, इसलिए उनकी जो रूट्स में ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, तो रूट्स आर अनब्रांच। फोर्थ है रूट हेयर, रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिम्फिया, इसमें पूरी तरीके से रूट हेयर का अभाव होता है। अब रूट हेयर किसी किसी में जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनमें बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। उसके अलावा रूट्स जो हैं, कई की हाइड्रोफाइट्स में रूट्स कंप्लीटली एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल वुल्फिया, जो वुल्फिया जो होता है वो एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, हाइड्रोफाइट है, फ्री फ्लोटिंग, इसका मतलब क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। ये देखिए मैंने बनाया येलो कलर से, ये वुल्फिया की लीव्स हैं, और इसमें किसी तरीके की कोई भी जड़ नहीं पाई जाती है। तो कई जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें रूट कंप्लीटली एब्सेंट होती है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वुल्फिया। दूसरा है साल्वेनिया, साल्वेनिया का बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, ये साल्वेनिया है, ये साल्वेनिया जो आपको दिख रहा है ये साल्वेनिया का स्टेम है, ये जो है वो लीव्स हैं। जो साल्वेनिया है वो भी एक फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है, यानी कि ये भी पानी के ऊपर तैरता है, इसकी लीव जो होती है पानी की तरफ ऊपर तैरेगी। अब फ्री फ्लोटिंग है तो इसमें जड़ें नहीं होती है, मगर आपको ये जो दिख रही होंगी वो जड़ें जैसी, ये क्या है बेसिकली, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ही जड़ों के जैसे कार्य करने लग जाती है, तो इसमें रूट्स एब्सेंट होती हैं, लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है एज ए रूट। नेक्स्ट है सिरेटोफाइला, ये सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है,
इनके अंदर भी रूट्स एब्सेंट होती हैं, इसमें कोई भी रूट नहीं पाई जाती। तो थ्री एग्जांपल हो गए वुल्फिया, साल्बिनिया एंड सिरेटोफाइलम, जिनके ये ऐसे हाइड्रोफाइट हैं जिनके अंदर रूटों का पूर्णतः अभाव होता है। दूसरी चीज है, अगर रूट कहीं पे पाई जाती है तो वो बहुत ही अल्प विकसित होती है, पुअरली डेवलप्ड, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला। मगर कई जो हमने पढ़े थे एम्फीबियस हाइड्रोफाइट वो थे जिनके अंदर जो रूट होगी वो कंप्लीटली मड के अंदर होगी, यानी कि पानी के अंदर होगी, मगर शूट आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, या पानी के अंदर भी हो सकती है या बाहर भी हो सकती है। इस तरीके के जो होते हैं, क्योंकि वो मड के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर रूट जो होती है, रूट सिस्टम वो वेल डेवलप्ड होता है और उनके रूट पे रूट कैप पाई जाती है। जैसे ये रूट है, इसकी यहाँ पे इस तरीके की से कवरिंग होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट कैप होता है। रूट कैप जो होता है ये रूट के जो एरियाज को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो इनके अंदर जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट है या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट जो है उनके अंदर वेल डेवलप रूट पाई जाती है विद रूट कैप। उसका एग्जाम्पल हो गया रेनन कुलस। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है सिंघाड़ा, ट्रापा, जो ट्रापा होती है इसकी जो रूट्स होती हैं वो ग्रीन वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ठीक है। इस तरीके की जो रूट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं उनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। तो ये याद रखिएगा, ट्रापा एक ऐसा हाइड्रोफाइट है जिसकी जो रूट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इस प्रकार की जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। इसके अलावा एक एग्जांपल और है आइकॉर्निया, पिस्टिया, ये ऐसे हाइड्रोफाइट हैं जिनके अंदर रूट कैप का तो पूर्णतः अभाव होता है मगर इनके अंदर रूट पॉकेट पाई जाती है। तो आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा, मैं रिवाइज करा देती हूँ। रूट जो होता है उसका प्राथमिक फंक्शन पानी का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, मगर क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं इसलिए इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो हाइड्रोफाइट्स में रूट का सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है। कईयों में रूट एब्सेंट होती है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। कईयों में बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है, अल्पविकसित होती है, उसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको हाइड्रिला। एग्जाम्स में कई बार आता है कि कौन कौन से हाइड्रोफाइट हैं जिनके अंदर रूट कंप्लीटली एब्सेंट होती है, और कईयों के अंदर रूट जो होती है वो वेल डेवलप्ड भी होती है। तो हाइड्रोफाइट के अंदर ये वेरिएशंस हैं, फर्स्ट एब्सेंट, सेकेंड है पुअरली डेवलप्ड। उसके अलावा रूट जो होंगी शॉर्ट होंगी, फाइबरस टाइप की होंगी, एडवेंटिशियस टाइप की होती है, क्योंकि उनका काम मेन जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इसलिए अनब्रांच्ड होती हैं। हाइड्रोफाइट्स की रूट पे रूट कैप एब्सेंट होती है, रेनिकुलस में पाई जाती है, जबकि आइकॉर्निया एवं पिस्टिया में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। उसके अलावा जैसे एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साल्विनिया के अंदर जो लीव्स हैं वो ही रूट में मॉडिफाइड हो जाती हैं। ट्रापा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोफाइट है जिसकी जो रूट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस में काम आती है। थैंक यू सो मच।